चित्रलेखा जी, एक बात बताइए, क्या सनातन इजाजत देता है प्रेम की, प्रेम विवाह की, और दूसरे मजहब के लोगों के साथ प्रेम की और आगे परिणय सूत्र में बंधने की? देखिए, प्रेम, जैसा मैंने कहा, मैं इस प्रेम शब्द को कभी भी संसार के लिए तो उपयोग करूंगी ही नहीं, क्योंकि मैं कथाओं में बोलती हूँ ये प्रेम नहीं है। सुबह बोलते हैं आई लव यू, शाम को बोलते हैं आई लीव यू, तो ये काहे का प्रेम है? आजकल के जो बच्चा बच्ची कॉलेज में जाते हैं, जिनको प्रेम का ABCD भी नहीं पता, वो कहने लगते हैं हम ये कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। रही बात दूसरे धर्म की, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब भगवान किसी धर्म में, किसी जाति में, किसी परिवार में आपको जन्म देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस स्थान के लिए एकदम परफेक्ट हो। आपको भगवान ने इसीलिए उस ड्यूटी को निभाने के लिए दिया। मैं जाति इसलिए नहीं बोल रही कि आप ब्राह्मण परिवार में हो गए तो बस इसलिए ब्राह्मण हो गए, क्योंकि आपकी ब्राह्मण होने के बाद एक ड्यूटी है कि आप समाज के मार्गदर्शक हो, आपको ज्ञान, वेद, शास्त्र, पुराण, ये सब लोगों तक पहुँचाना है। वहीं अगर आप किसी दूसरे के धर्म या दूसरी जाति में जीवन में चले जाते तो आपकी ड्यूटीज चेंज हो जाती हैं और फिर आपको उनके साथ कोऑपरेट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस लिहाज से अगर मैं अपने विचार व्यक्त करूं तो मुझे लगता है जिस धर्म, जिस परिवार में भगवान ने आपको जन्म दिया है, आप प्रयास करें कि आप उसी ओर आगे बढ़ें, ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आगे बढ़ा